हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कहता है सफल आदमी के साथ साथ चलिए तो आप भी सफल हो सक जाएंगे। तो देखते हैं कैसे चलता है सफल आदमी अपने रास्ते पे, क्या करता है सफल आदमी और असफल आदमी। तो चलिए चलते हैं फेलियर्स वर्सेस सक्सेस के एक्सपीरियंस में, क्या है सक्सेस मैन, क्या करता है फेलियर्स मैन, उसके बारे में जानेंगे। तो पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर देख लीजिए। चलते हैं आगे, चलते हैं 66 में क्या है, 65 तक हो चुका है। तो चलिए देखते हैं 66 में क्या है। 66 में फेलियर्स टॉक अबाउट पुपेल, असफल व्यक्ति लोगों की बात करते हैं, वर्सेस सक्सेसफुल टॉक अबाउट पुपेल, सफल व्यक्ति लोगों के विचारों की बात करते हैं। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कारण है फेलियर्स और सक्सेसफुल में। फेलियर्स जो है टॉक करता है किसके बारे में, लोगों की बातों के बारे में। वर्सेस सक्सेसफुल टॉक अबाउट पीपल, सफल व्यक्ति लोगों के विचारों की बात करते हैं। तो छोटा छोटा अंतर है, देखिए क्या कहता है। लोगों की बात करते हैं, अब वो हमारे बारे में लोग क्या कहेगा, अगर हम भी यही सोचे तो फिर लोग क्या सोचेगा। हो गया ना फिर बात वही कि हमें नहीं सोचना चाहिए। अब लोगों की बात हम क्या करें, लोग कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है और हम करते हैं जो अपने लिए करता है। अगर जो हम अपना लक्ष्य उसके और बढ़े, और वही सफल व्यक्ति क्या करता है, वो लोगों के विचारों, कई कितने लोगों के विचारों होते हैं जो अपने विचारों को ऐसे ही कैद रखा जाता है, और वो सफल व्यक्ति उसके विचारों को पकड़ कर उस विचारों के ऊपर काम कर कर आगे बढ़ता है। यही होता है सफल और असफल व्यक्ति में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। 66 तो हो गया, 67 में देखते हैं क्या है। तो बने रहिए इस जर्नी में। तो चलिए देखते हैं 67 फेलियर्स। तो दोस्तों देखते हैं 67 में क्या है। 67 में फेलियर्स कंप्लीट विद असफल व्यक्ति दूसरों से प्रयोगता करते हैं, वर्सेस सक्सेसफुल कंप्लीट विद सफल व्यक्ति स्वयं से प्रयोगता करते हैं। ये बड़ा कारण है सफल और असफल व्यक्ति में कि सफल व्यक्ति जो है वो खुद से प्रयोगता करते हैं, खुद से रेस में खुद ही जीतते हैं। असफल व्यक्ति दूसरे से प्रयोगता करते हैं। दूसरे से प्रयोगता करने का क्या मतलब कि अगर दूसरे भी वो काम कर रहा है तो हम भी वो काम करें। उससे ये भावना तो ठीक है कि हम उससे आगे बढ़े, वो हमसे आगे बढ़े, लेकिन होता है ना कि एक प्रतियोगिता हो जाता है कि हाँ उसको हम हरा के ही आगे बढ़े, उसको हम ये वो बढ़ता आगे तो हम नहीं बढ़ने लगे। तो ये एक गलत धारणा है। और सफल व्यक्ति क्या करते हैं, खुद से खुद को जीतने में जितना वक्त लगाइएगा आप सबसे आगे निकलिएगा। तो ये छोटा छोटा अंतर अगर जान जाए क्या करता है सफल व्यक्ति, क्या करता है असफल व्यक्ति, और असफल व्यक्ति के गुण अपने अंदर लीजिए और असफल व्यक्ति का गुण है तो उसे निकाल फेंकिए। तो चलिए फिर देखते हैं अगले क्लास में क्या है। देख लिए फेलियर्स कंप्लीट विद अदर असफल व्यक्ति दूसरों से प्रयोगता करते हैं, ध्यान रखिएगा वर्सेस सक्सेसफुल कंप्लीट विद सेल्फ, सफल व्यक्ति स्वयं से प्रयोगता करता है। तो चलिए देखते हैं 68 में क्या है। फेलियर्स तो 68 में देखते हैं क्या है। 68 में फेलियर्स क्रिटिसाइज अदर्स, असफल व्यक्ति दूसरों से आलोचना करता है, वर्सेस सक्सेसफुल कॉम्प्लीमेंट अदर्स, सफल व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करता है। तो यह भी बड़ा अंतर है कि सफल व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता है। आलोचना करने का क्या मतलब, ये यो करता है, वो ये करता है, ये नहीं करता है, वो ये नहीं करता है, और सफल व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करता है। अगर कोई काम करता है तो उसे उत्साह बढ़ाता है कि हाँ ये काम तुम अच्छा करते हो, ये काम अच्छा है, इसमें तुम आगे बढ़ो और ऐसे ही लगे रहो। तो आलोचना और प्रशंसा ये भी बड़ा अंतर है। सफल व्यक्ति करता है प्रशंसा और असफल व्यक्ति करता है आलोचना। ये क्या करता है, इससे क्या होगा, ये क्यों कर रहा है, बेफजूल का बात बोलेगा। तो देख लेते हैं छोटे छोटे गुण है सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति की। तो हम लोग भी अगर ऐसा धारणा रखते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं कि दूसरों की आलोचना करते हैं, तो उसे जल्द से जल्द निकालिए अपने अंदर से और प्रशंसा करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो दीजिएगा वही आपके पास आएगा। अगर आप भी आलोचना कीजिएगा तो आपका भी आलोचना होगा, अगर आप भी प्रशंसा कीजिएगा तो आपका भी प्रशंसा होगा। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। 68 हो गया, 69 में इस जर्नी में से बने रहिए, देखिए कितना अच्छा चीज होता है फेलियर्स। दोस्तों 69 में देखते हैं क्या है। 69 में फेलियर्स
टीच रूल्स बट डोंट फॉलो, असफल व्यक्ति नियम बनाता है पर उनका अनुसरण नहीं करता है, वर्सेस सक्सेसफुल आर कमिटेड टू फॉलो रूल्स, सबसे सफल व्यक्ति नियमों का अनुसरण करते हैं। तो ये भी बड़ा अंतर है कि हम तो एक नियम बना लेते हैं कि इतना बजे ये करना है, उतना बजे ये करना है, यानी अपना हम रूटीन डेली रूटीन बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं कि इतना बजे ये करना है, उतना बजे ये करना है, उतना बजे ये करना है, लेकिन हम उन पर खड़े नहीं उतरते हैं, उस पर हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं। लेकिन अगर सफल व्यक्ति का बात करें तो जो वो नियम बनाता है, जो रूल बनाता है, उस पर कमिटेड रहता है, उसको फॉलो करता है, वो जानता है ये नियम हम बनाए हैं तो इसको फॉलो करना भी हमारा ही काम है। और सफल व्यक्ति का ही सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा कारण है कि वह कर जाता है और असफल व्यक्ति नहीं करता है। वो 1000 नियम बना लेगा, एक नियम भी पालन नहीं करेगा, और सफल व्यक्ति अगर 10 नियम भी बनाएगा तो 10 नियम फॉलो करेगा। तो नियम बना ले उससे कोई नहीं हो सकता। अगर सोचते रहे कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर हम एक्शन में ना, अगर वर्क न करे तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों यही है सब कार्य में, अगर पढ़ने के बारे में सिर्फ सोचे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन अगर पढ़ने बैठे नहीं, 2 से 3 घंटा पढ़े नहीं, 4 घंटा पढ़े नहीं, तो हमें क्या लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं? ये जो भ्रम है दिमाग से निकालिए और अपने एक्शन पे आइए, काम करिए। तो चलिए देखते हैं फेलियर्स वर्सेस सक्सेस के एक्सपीरियंस में क्या है। तो देख लिए, फेलियर्स टीच रूल्स बट डोंट फॉलो, सफल व्यक्ति नियम बनाता है पर उनका अनुसरण नहीं करता है, वर्सेस सक्सेसफुल आर कमिटेड टू फॉलो रूल्स, सफल व्यक्ति नियम बनाता है और उसका अनुसरण भी करता है, पालन भी करता है। तो ये भी छोटा छोटा अंतर है, अगर आप अपने अंदर लाते जाए, अपने अंदर करते जाए, तो आप भी सफल हो सकते हैं और सफल हैं, क्योंकि आप अभी तक यहाँ तक वीडियो तक बने हैं तो आप जरूर ही नियम का पालन करते होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है 70 तक, आज का लास्ट 70, चलिए देखते हैं। दोस्तों आज का लास्ट देखते हैं 70 क्या है। फेलियर्स वेस्ट टाइम, असफल व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है, वर्सेस सक्सेसफुल ऑप्टिमाइज देयर टाइम, सफल व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है। तो ये एक बोले तो इम्पोर्टेंस में वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बड़ा कारण है सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति का। कहता है समय ही एक ऐसा चीज है जिसे हम खरीद न सकते हैं और न इसे तिजोरी में बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है तो आप 1 मिनट भी 1 सेकेंड जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो और कबीरदास भी कहते हैं कल करो से आज करो तो आप पढ़ में पढ़ ले होगी पौड़ी करोगे कब, यानी कल परसों करते समय जो टाइम हम गवाते हैं उसे हमें आज ही करना है। और समय ही एक ऐसा चीज है जो एक बार निकल गया तो निकल गया, फिर वो दोबारा नहीं आ सकता है। तो अभी तक हम लोग समय कितना बर्बाद करते हैं, अगर आप अपने दिनचर्या को देखें निकालें कि हम कितना समय कहाँ बर्बाद करते हैं, तो पता चलेगा आपका 50% समय मोबाइल पे ही बीतता होगा और 50% में इधर उधर होता होगा और अपने लक्ष्य के लिए कुछ ही समय बचता होगा। तो आप अपने समय को बचाएं, और समय को बचाने के लिए आगे में वीडियो आएगा कि हम अपने समय दिनचर्या को कैसे बनाएंगे। अगर इसमें बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग शॉर्ट में कहते हैं कि समय को एक ऐसा यंत्र है जो आपको आगे ले जा सकता है, और इसे बचा के रखना आपका काम है, और इसे सही काम में लगाना भी आपका ही काम है। अगर सही काम में नहीं लगेगा तो अफसोस ही ये दूसरे काम में लग जाएगा, फालतू के काम में लग जाएगा, जो आगे हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपके पास समय है तो समय को सही चीजों में यूटिलाइज कीजिए, सही अच्छी से अच्छी चीजों में करिए। बुक रीडिंग में समय लगे, अपने लक्ष्य तक जाने के लिए समय का उपयोग करें। समय हमारे पास समय बहुत लिमिट है, एक लिमिट तक, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं समय घटता जाते हैं। बचपन का समय अभी वापस नहीं ले सकते हैं, जो समय कल बीत गया वो अभी नहीं ला सकते हैं। तो समय को हमें सही डायरेक्शन में यूज करना है, और समय ही एक ऐसा चीज है जो चल गया तो वापस कभी नहीं आ सकता है। कितनों भी कुछ कर लीजिए, कितनों भी हाथ पांव मार लीजिए, कितनों भी माथा पटक लीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये वापस लौट के नहीं आने वाला है। तो आप लोग समय का बचत कीजिए, और सफल व्यक्ति यही करता है समय का सदुपयोग। एक समय समय
का सदुपयोग मतलब समय समय में वो अपना काम करते रहेगा, दुरुपयोग मतलब फालतू के काम में अपना समय व्यस्त करेगा, और दूसरा सदुपयोग ऑप्टिमाइज करेगा अपने समय को। तो समय पे एक टाइम पे एक बड़ा भारी भरकम चीज है हमारे जीवन में, अगर इसे हम संभाल के नहीं रखते हैं तो दूसरा दूसरा कोई इसे खर्च कर सकता है, दूसरा कोई इसे किसे खर्च कर सकता है। अगर मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, अगर रील देखते हैं तो आप समझते हैं कि देख के तो मजा आ रहा है, मगर समय किसको दे रहे हैं? उस आदमी को दे रहे हैं जिसको रील बनाया, उसको इतना देर समय दिए और करते करते 1 से 2 घंटा समय उस रील को दिए, और रील को दिए क्या मतलब समय आप उसको दिए और अपना समय उसको दे दिए। तो यही है, अगर आप अपना काम नहीं कीजिएगा तो आप अपना समय दूसरे को दीजिएगा। तो यही छोटा छोटा अंतर है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, छोटी छोटी है मगर बहुत बड़ी बात यह है कि अपने समय को सही जगह पर लगाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो के देखिए और अपने समय को सही चीज में लगाइए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।